हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आने वाले परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। आज का वीडियो इज अबाउट स्ट्रेटेजी वीडियो, जिसमें कि आपको 69 बीपीएससी का जो रिजल्ट आएगा, तो अब से लेकर उस समय तक और जब मेंस एग्जाम होगा, तो इस बीच में आपको क्या करना है उसके बारे में हमारी चर्चा होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी शानदार हो। उससे पहले कि हम लोग वीडियो के कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। नाउ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट, यह है जो रिजल्ट है, यह एक्सपेक्टेड है समवेयर अराउंड मिड नवंबर। आप लेके चलो, मिड नवंबर में यह आने की प्रबल संभावना है। डू अंडरस्टैंड कि बीपीएससी ने अभी आंसर की जारी कर दिया है, लेकिन अभी रिवाइज्ड आंसर की आना बाकी है, और जब रिवाइज्ड आंसर की आएगा तो ऐसा लग रहा है कि अबाउट 3 to 4 क्वेश्चंस चाहे तो इसके आंसर्स चेंज हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 1 या 2 क्वेश्चंस को डिलीट किया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ी इमैच्योरिटी होगी। तो द पॉइंट इज कि अभी जो समय है, दैट इज अराउंड मिड अक्टूबर अभी है, और रिजल्ट आना है, आप लेके चलो कि मिड नवंबर है, तो लगभग 1 महीने का टाइम है। तो सवाल उठता है कि क्या आपको इस रिजल्ट के इंतजार में अपनी पढ़ाई को रोक देना चाहिए, या होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यह क्या रहेगा, क्या आप इस पर हमेशा सोचते रहें और अपनी पढ़ाई को नहीं करें? तो आई थिंक दिस विल नॉट बी द करेक्ट स्ट्रेटेजी। मान लीजिए आपका स्कोर 75 आ रहा है सपोज, या 80 आ रहा है, या मान लीजिए 85 आ रहा है, आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आपको मेंस अल्टीमेटली देना है, आपको इंटरव्यू अल्टीमेटली देना है, तो आपको बिना इंतजार किए ही अभी से ही अपनी मेंस की तैयारी में लग जाना है। डू अंडरस्टैंड कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है और जो कॉम्पिटिशन आप देख रहे हैं, तो एक ऐसा वर्ग होगा जो सफल होगा और एक ऐसा वर्ग होगा जो असफल होगा। लेकिन डू अंडरस्टैंड कि ये जो अनसक्सेस है, यह बहुत सारे स्टूडेंट के लिए टेम्पररी होगा। क्यों? क्योंकि 70th बीपीएससी भी अगले साल होने वाला है। तो इस बीच में आप क्या करें, अभी से लेकर जब तक रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद भी, चूंकि आप देखिए कि मिड नवंबर के बाद जो है मुख्य परीक्षा, आप लेके चलिए कि दिसंबर लास्ट में होगा, जैसा कि ऑनरेबल बीपीएससी चेयरमैन का ट्वीट आया था, उस हिसाब से देखें तो चूंकि आपके पास टाइम जो है बहुत कम है और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो आपको जो भी आपका स्कोर है, आपको मेन्स के प्रेपरेशन में आपको लग जाना चाहिए। आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा, वह रिजल्ट आप लेके चलिए कि दैट विल कम अराउंड मिड नवंबर। यू मस्ट नॉट वेट फॉर द मेंस प्रेपरेशन, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कि मेंस का प्रेपरेशन आप 1 या 2 महीने में, इट्स नॉट दैट इजी, आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपको अभी से ही, आप समझिए कि आपको अबाउट 2.5 मंथ्स का टाइम मिल रहा है, और इसमें आप बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी कर सकते हो। 1 महीने में तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो स्ट्रेटेजी क्या हो यहाँ पर, स्ट्रेटेजी यह है कि आप बेसिक बुक्स को अच्छे से पढ़ो। बेसिक बुक्स को, जिसमें कि एनसीईआरटी एक आ जाता है, एनसीईआरटी को तो आप बिल्कुल पढ़ो, अच्छे से पढ़ जाओ। फिर उसके बाद बिहार स्पेसिफिक जो बुक्स होते हैं उनको अच्छे से आप पढ़ो। उसके अलावा जो है आप न्यूज़पेपर को अच्छे से ट्रैक करो, यह बहुत जरूरी है कि न्यूज़पेपर आपका, चाहे वो एसे का कंटेंट हो या जीएस का भी बहुत सारा पोर्शन जो है उसको कवर करेगा। उसके अलावा आप डेटा इंटरप्रिटेशन जो है उसको अभी से ही सॉल्व करो। आप
डेटा इंटरप्रिटेशन जो है यह ऐसा एरिया है जिसको आप 1 से 1.5 महीना में कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने की प्रैक्टिस चाहिए होगी, तभी आप डेटा इंटरप्रिटेशन को कंट्रोल कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्लीज अभी से ही करें। आप रिजल्ट का वेट नहीं करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रिजल्ट का वेट करते हैं और उनका जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद वो मेंस की तैयारी करते हैं और आंसर राइटिंग करते हैं। आप 1-1.5 महीने में आंसर राइटिंग करना आपको उस तरह से फ्रूटफुल नहीं होगा, खास करके जो पहली बार मेंस दे रहे हैं। देयरफोर माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि यह जो स्ट्रेटेजी है आप इसको अभी से ही फॉलो करें। आप जो भी आपका स्कोर है, आप जब रिजल्ट आएगा तो उम्मीद करें कि अच्छा ही होगा। आप जो है अभी से अपनी स्ट्रेटेजी में मेंस की तैयारी को अच्छे से करें और जो आपको रिवीजन या मेमोराइजिंग जो करना है मेमोराइजिंग करें, लेकिन साथ में राइटिंग भी करते चलें, क्योंकि यह मेंस के 2 पिलर हैं। एक है मेमोरी, जिसमें कि आप नोट्स को रिवाइज और मेमोराइज करते हैं, और दूसरा होता है राइटिंग। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द बेस्ट पोजीशन मेंस देने के लिए कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि अंतिम समय में मेंस की तैयारी शुरू करते हैं और इस कारण से उनका प्रेपरेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अंटिल देन, गुड बाय।